हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड मैंने आपसे कहा था कि मेरा हस्बैंड का बर्थडे है, वो सरप्राइज़ गिफ्ट देना है मुझे, तो आज है उनका बर्थडे। तो कल रात में ही मैंने 12 बजे उन्हें सबसे पहले मैंने विश किया था, एंड मेरी बेटी अमायरा ने विश किया था, हम दोनों ने मिलकर विश किया था। तो मैंने एक किया था विश उनको एक चॉकलेट से और एक हार्ड बैलून से, तो वो सरप्राइज़ हो गए थे एकदम। तो उसके बाद आज मॉर्निंग है, मॉर्निंग डे में तैयारी चल रही है उनके बर्थडे की। उनको पता भी है, जब सरप्राइज़ भी है और नहीं भी है समझ लीजिए, क्योंकि उनको दे दिया है तो उनको तो ऑलमोस्ट पता ही चलना ही है। तो बाकी सारे बर्थडे की तैयारी हो गई है, सारा सामान मैं ले आई हूँ, केक का भी ऑर्डर मैंने कर दिया है, जाऊँगी लेने करीब 3 बजे, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो बाकी दिखाती हूँ अपने रूम जो बिखरा हुआ है, उसको सब रेडी करना है अच्छे से, सब कुछ। मेरा अर्श सो गया है, तो लेट्स सी माय डैड। एंड बेडशीट मैंने सारे टॉय अमायरा के रख दिए हैं, अभी लगाऊंगी भी सारे बेडशीट, ये चेंज करके दूसरी बिछाऊंगी। एंड ये है मेरी बेडशीट, वो मैं बिछाऊंगी अभी, ये वाली सी। आप लोग बताना कि आपको कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लगी। एंड गर्मी में कॉटन ही अच्छी लगती है, एंड लाइट कलर अच्छा लगता है। मैंने दो ली थी, एक और है वो नेक्स्ट के लिए है। बाकी देखिए सब रूम ऐसे ही बिखरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा रूम मुझे रेडी करना है अच्छी तरह से, कूलर जो है वो साइड में रखूँगी, सब सामान ऐसे बिखरा हुआ है। और बाकी मिलते हैं हम अब सब कुछ करने के बाद में। ठीक है गाइस, मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मैंने अपना रूम बिल्कुल डेकोरेट अच्छे से, सब बेडशीट वगैरह जो नई बिछी हुई थी वो सब मैंने बिछा दिया। आपको बताना कि मेरी बेडशीट आपको कैसी लग रही है। और अमायरा के सब टॉयज रख दिए हैं, ये खुद अमायरा लगाए हैं अपने हैंड से। और देखिए मेरा अर्श सो गया है, उसको मैंने रेडी कर दिया है, उसको रेडी करने के बाद रेडी कर सो गया है। तो एंड एक तरफ कूलर चल रहा है, सब कुछ पूरा मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया है। अब बस रह गई है डेकोरेशन बर्थडे की, तो वो मैं कराऊंगी अभी थोड़ा फ्री होके। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के बाद में तब मैं डेकोरेशन करूँगी, तब मैं मिलती हूँ आपको। और ओके देखिए गाइस, मैं आई हुई हूँ, शॉपिंग कर रहा है। किसका शॉपिंग कर रहा है? कहाँ पे हमारा, किसका बर्थडे है? डैडी का बर्थडे है। डैडी का बर्थडे है तो शॉपिंग करने आया ना? हाँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। ओके ओके गाइस, तो मैं आई हूँ इशू के लिए, बर्थडे का सामान के लिए। तो अर्श मेरा जग गया है, अर्श को देखो मैंने आज लड़की बनाया हुआ है, गर्ल अर्श 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 देख रहा है, सब चीज़ देख रहा है। तो मिलते हैं गाइस हम शॉप पे। नहीं, छोड़ के नहीं जा रही अमायरा को, अमायरा मॉम के साथ ही चल रहा है। अच्छा गाइस, शाम का टाइम है, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए मैं शाम के टाइम आई हुई हूँ। देखिए ये मोमोज वाले भैया हैं, यहाँ पे शॉप है और वो आप देख रहे हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। वहाँ पे मैं वॉक करने आती हूँ मॉर्निंग में। अमायरा शो नहीं करते ना हमारा। तो मिलते हैं गाइस हम शॉपरी दुकान पे, शॉप पे। मॉम का फिंगर पकड़ो, मॉम की फिंगर। छोटा भीम केक चाहिए आपको? चलो देखते हैं छोटा भीम केक। वाओ चलो मॉम की फिंगर गिरा मत देना। ये तो बहुत
चलो फिर, तो फिर आगे कम ही कम बेबी जोड़ देंगे। आ जाओ फेस से दिखाओ अपना फेस। ये टूटू कैंडी गाइस, ये बर्थडे की तैयारी हो रही है, तो अब मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ उसी। एंड ये है बैलून, तो हम करेंगे अब डेकोरेट। आज मेरा सो गया है, तो मिलते हैं हम डेकोरेट करने के बाद में। अर्श रो रहा है मेरा, अर्श को नींद आ रही है बहुत जोरियों की, तो मैं अर्श को जा रही हूँ सुलाने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ डेकोरेशन उसी, आप लोग बताना कि आपको कैसी लग रही है मेरी डेकोरेशन। गाइस वॉल पे, वॉल को इग्नोर करना, जो मेरी पीछे की वॉल है, दीवार है, उसे इग्नोर करना। एंड बाकी नीचे बन पड़े हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस यही किया है। तो मेरा अर्श रो रहा है, तो मैं उसको पहले देख लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डैडी बताओ बेटिया केक कट करो, डैडी खिलाओ, डैडी खिलाओ, चलो हो गया केक कट, मम्मी को खिलाओ। अरे मैं खिलाऊंगा, मुझे खिलाना यार, पहले खा गया। टेस्टी टेस्टी, वेरी गुड। हाँ अभी खिलाओ, अभी खिलाओ, नहीं चलो ठीक है, फिर खा लो, खा लो, हमने खा लो, केक खा लिया, हाँ खा चुके। अरहान क्या है इसमें, गिफ्ट खोलो, गिफ्ट खोलो भाई। एक गिफ्ट अरहान की तरफ से है, और अरहान ने लाके दी है एक। वाओ, क्लैप कर दो अरहान, क्लैप कर दो, क्लैप कर दो। अमायरा अमायरा आप भी, आप भी गिफ्ट दो डैड को, डैड को किसी 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 कल देंगे, आई कल देंगे गिफ्ट अपना, आई अपना गिफ्ट कल देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डैड को दो। अमायरा को, अमायरा 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 ने क्या दिया, अमायरा ने क्या दिया, डैडी को कार दिया। वाओ डैडी, कार जाओ, कार में बैठी जाओगे अमायरा।
ओके अरे बैलून तो फोड़ो भाई। विश्यू हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? अमेजिंग। थैंक यू। वही तो भाई खराब। कहाँ पे ले गया बोतल? वीडियो बना रही खिलाओ तुझे। किसका हैप्पी बर्थडे है? क्या कर रहे हो? उठा लो उठा लो उठा लो। क्या खा रहे हो? केक? किसका बर्थडे था हमारा? किसका? डैडी का बर्थडे था। अच्छा आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा। ओके आप तो कार्टून देख रहे हो, मैं केक खा रहे हो। आज 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 मिले क्या गल रहा है? मिले क्यूटी बेबी, क्या गल रही है क्यूटी क्यूटी बेबी। हाँ देखिए सारे बैलून हटर हटर के देखिए कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं। बाकी तो वो ये तो लगे हुए हैं, एक वहाँ से निकल गया, बाकी ऊपर वाले लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है। इसे देखिए ये गाइस, देखिए आप क्लास देख रहे हैं, ये फोटो मैं बुलाऊंगी। एंड ये मेरी शादी के बाद फर्स्ट वैलेंटाइन डे पड़ा था, उस पर मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे बकेट दिया था, तो वही मैंने अभी तक उसकी पिक संभाल के रखी थी। वो मतलब कि अभी तक मेरे पास क्लास रखे हुए हैं वो, तो उसी की मैंने फोटो लिखवाई कुछ। ये हम लोग गए थे, ये पिछले साल की बर्थडे की है स्नैप। ये हम लोग घूमने गए थे वहाँ का है, एंड ये भी हम लोग घूमने गए थे वहाँ का है। एंड सी आप लोग बताना कि ये जो हमारे छोटे छोटे पल होते हैं ना, बहुत कीमती होते हैं, इनसे ना बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। तो मेरा मानना है कि छोटे छोटे पलों को एंजॉय हमें करना चाहिए। आज आज हैप्पी बर्थडे कर रहा है, हैप्पी बर्थडे डैडी का, हैप्पी बर्थडे। कहाँ झुका जा रहा है यार, कहाँ झुका जा रहा है? और देख ला है जी, देख ला भैया, देख ला है, हैप्पी बर्थडे देख ला, हैप्पी बर्थडे। ओ ओ उल गया, चले गया, चले गया बैलून, चले गया बैलून, हाँ चले गया बैलून, उधर चले गया उधर। ओके मॉम लेके आती है अभी, देखो बेब्स लेके आ गई आपके लिए, ये दे दो मारा, देखो बेब्स लेके आई आपके लिए, है ना? हाँ वो उड़ रहा बैलून। ओके मम्मा देती है। गाइज केक कट चुका है, सब कुछ दी एंड हो चुका है, एंड आप देख पा रहे हैं रूम की हालत, सारे बैलून फूट फूट जा रहे हैं। एंड जब से मैं रेडी कर रही हूँ, डेकोरेट करी थी, और तब से पता नहीं कितने सारे बैलून फूट चुके हैं। मैं बार बार फुलाती हूँ, बार बार फूट जाते हैं इनको, मतलब बार बार मैंने इसको डेकोरेट किया तो इसमें से बहुत बार बैलून फूट गया, फिर मैंने बहुत बार लगाया, बहुत बार फूट गया। तो आप लोग बताना कि मेरी बर्थडे डेकोरेशन कैसा लगा, बर्थडे कैसा लगा मेरे हस्बैंड का जो सरप्राइज मैंने दिया था उन्हें। एंड और गर्मी गाइस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, उससे पहले बट मैं अपने अर्श को दिखाऊँगी, वो सो के उठ गया है। जिस वक्त केक कटा था तो अर्श सो रहा था, तो बाकी सब बच्चे जग रहे थे, हमारा जग रही थी। तो मैं दिखाती हूँ, हमारा केक खा रही है, अपने फ़ोन में लगी है, वो टीवी देख, कार्टून देख रही है, अर्श जग गया है, खेल रहा है, तो सी दिखाती हूँ मैं। ओके गाइस, तो मेरा मानना है कि हमें छोटे छोटे पलों को अपने फ़ोन में या किसी चीज़ में कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खास पल होते हैं, जो हमारा वक्त चले जाता है वो लौट के नहीं आता है गाइस। तो बाकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे टेंशन तो चलती ही रहती हैं, आई थिंक कोई भी टेंशन लाइफ में, वो तो लाइफ है, कभी हंसी है कभी गम है, कोई बात नहीं। तो हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए, मेरा मानना यह है। अगर आप लोग क्या कहना है आप लोगों का, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर मुझे। और आप लोग बताना कि मेरा बर्थडे ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने जो सरप्राइज़ रखा था वो आपको कैसा लगा। तो ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस बाय बाय।